खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में भले ही कितनी दोस्ती हो जाए, लेकिन इनके फैंस इनके स्टारडम को लेकर हमेशा से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कौन सा स्टार है नंबर वन और किसने किसको पछाड़ा, इस बात को लेकर इनके बीच हमेशा कहासुनी या यूँ कह ले कि सोशल मीडिया पर हमेशा छींटाकशी चलती ही रहती है। हाल ही में होली सॉन्ग को लेकर खेसारी और पवन के फैंस आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि खेसारी के महज एक गाने ने ही, यानी कि भतीजवा को बौसी जिंदाबाद ने ही, इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जिसके बारे में सोच पाना मुश्किल है। जी हां, खेसारी लाल यादव के यूट्यूब पर रिकॉर्ड की बात करें तो अब वो पवन सिंह से कहीं ज़्यादा आगे चल रहे हैं। खेसारी का महज एक ही गाना भतीजवा को मौसी जिंदाबाद ने तो एक महीने में ही इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि किसी ने सोचा नहीं होगा। एक महीने में 100 मिलियन से भी ऊपर का रिकॉर्ड। जी हाँ, अब हम बात कर ले कि अगर कमरिया हिला रही है तो भाई इस गाने ने भी रिकॉर्ड कायम किया, 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यूज़ का रिकॉर्ड। फिर भी आप कह सकते हैं कि पवन सिंह के इस सॉन्ग ने खेसारी का रिकॉर्ड, यानी खेसारी के भतीजवा की मौसी जिंदाबाद का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ और भी होली सॉन्ग की बात करें तो खेसारी लाल यादव यहां पवन सिंह से बाजी मारते हुए ही नज़र आए। और अभी हाल ही में रिलीज़ मेहंदी लगा के रखना 3 और पवन पुत्र। जी हाँ, इन दोनों फिल्मों की बात करें तो यहाँ मेहंदी लगा के रखना 3 को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है और दर्शक इसे भर भर कर देखने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। आपको बता दें कि किसी भी फिल्म का अच्छा होना तभी तय माना जाता है जब उस फिल्म को आप परिवार के साथ बैठकर देख सकें और उसे देखने के लिए भाई दूर दराज से महिलाएं तक चली आएं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला खेसारी की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पवन पुत्र की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन फिल्म ने वो कारनामा नहीं दिखा पाई जिसकी उससे उम्मीद थी। लोग ये सोच रहे थे कि फिल्म भाई एक्शन से भरपूर है तो लोगों को बहुत पसंद आएगी, लेकिन भाई यहाँ लोगों ने रोमांस को ज़्यादा तवज्जो दी और फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब बात कर ले अगर अभी खेसारी के बर्थडे पर, यानी कि 15 मार्च को ही खेसारी का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने ने भी अच्छा खासा व्यूज़ हासिल किया है, महज 8 घंटे में 2 मिलियन व्यूज़। अब आप ये समझ सकते हैं कि हर मामले में खेसारी कहीं ना कहीं पवन सिंह से ऊपर ही हैं। यानी कि यहाँ व्यूज़ की बात कर लेंगे तो भी, फिल्म अच्छा करने की बात कर लेंगे तो भी, यहाँ खेसारी हर एक जगह कहीं ना कहीं पवन सिंह से बेटर ही नज़र आ रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। तो भाई आप ये कह सकते हैं पवन खेसारी निरहुआ में अगर कोई नंबर वन इस वक्त चल रहा है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव हैं। और ये पोजीशन उन्होंने अपनी बहुत ही बड़ी मेहनत से हासिल की है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।